हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी के कई स्वाद आपको सुनने, देखने और मेरे आवाज़ से महसूस करने को आपको मिलते हैं। वैसे आज एक बात बतानी थी और वो है आई एम वेरी इम्पोर्टेंट। शायद आपने सुना नहीं, आई एम वेरी इम्पोर्टेंट। और जब हम ये अपने आप को कहते हैं तो ज़िंदगी एक नया आयाम, एक नया सफ़र की शुरुआत करती है। आई एम इम्पॉर्टेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठता है या उठती है, अपने काम के लिए चल जाता है। काम की तरफ बढ़ते समय उसको ख्याल आता है कि आज काम नहीं करेंगे और वो कहीं आसपास के गलीचे के पास रुक जाता है। एक ऐसा बागान या कह लीजिए कि एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, फूल पौधे और सुबह की ठंडी ठंडी छांव। वो आदमी या वो औरत जो है वो वहाँ रुक जाती है, वो अपने आप को उस प्रकृति से, उस नेचर से बंधा हुआ पाती है। गार्डन के सामने एक छोटी सी झील है, पानी सुबह की रोशनी से ऐसे धीमे धीमे चमक रहा है मानो कि मोतियों की छोटी छोटी मालाएं जो हैं पानियों के ऊपर तैर रही हो। वो इंसान वहीं पे ठहर जाता है और कुदरत की खूबसूरती को निहारता है। जब वो घास पे बैठता है तब उसको महसूस होता है कि ये कुदरत कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। आपने अगर कभी घास पे बैठा हो या बैठे हो तो आपको महसूस होगा कि ये जो छोटी छोटी जो घासें होती है आपके बदन को कितना सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम महसूस कराती है। इंसान उस बगीचे में जाता है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, वहाँ पे वो अपने आप को सुनता है, अपने मन को सुनता है और आसपास जो छोटे छोटे बर्ड्स, तितलियाँ जो घूम रही हैं सुबह, उनको महसूस करता है, उनकी आवाज़ों को अपने अंदर कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश करता है। कुदरत के उस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आँखों में समा के थोड़ी देर के लिए आराम करता है। उसे लगता है कि सुबह की ठंडी छांव बहुत ही प्यारी है और शायद कई दिनों बाद उसको ये देखने को मिला है। नींद टूटती है, बस पकड़ते हैं और नियर बाय हाल फिलहाल में जो एक नया मॉल खुला है वहां पे चले जाते हैं। मॉल में सुबह का नाश्ता हो जाता है, इंसानों की भीड़ भाड़ दिखाई देती है, कोई सुबह अपने परिवार के साथ आया है तो कोई अकेला आया है तो कोई एक दूसरे का हाथ थामे हुए घूम रहा है। जिंदगी के कई पहलू, बचपन, बुढ़ापा, जवानी और एक दूसरे का साथ, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही चीज़ें गार्डन में भी देखने को मिली। गार्डन, हाँ, अभी जो जहाँ पर थोड़ी देर पहले हम थे वहीं इस इंसान ने रिलेशनशिप को भी देखा। छोटे बच्चे जो अपने आप में खेल रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं आने वाले कल की, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपने आप में खेल रहे हैं। वहीं नौजवान यानी कि लड़का और लड़की कहीं अपने आप में खोए हुए, कहीं एक दूसरे का हाथ थामे हुए, कहीं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए, जिंदगी के कई नए सपनों को पिरोते हुए, कई कस्में, कई वादों को निभाने की कोशिश करते हुए, वादे बस वादे। और वहीं पे कुछ ऐसे शादीशुदा लोग जो एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन साथ हो के भी साथ नहीं हैं। कई ऐसे भी जोड़े हैं जो साथ है और साथ नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कुछ अलग नहीं हो पाते, कुछ जिम्मेदारियां होती है, आंखों पे छलकती है, चेहरों पे दिखाई देती है और उनके हाव भाव, चलने का नजरिया जो है
वो इंसान भाप लेता है। ऐसे भी कई लोग थे जो अकेले थे, अपने आप में थे, तब उस इंसान को ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने खालीपन को ढूंढने के लिए, तराशने के लिए, समझने के लिए ऐसे जगहों पे आ जाते हैं, चाहे वो गार्डन हो या मॉल हो। बहरहाल सुबह का एक फिल्म देखा, फिल्म देख के थोड़ी खुशी हुई, अपने आप को ट्रीट किया पॉपकॉर्न के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, समोसे के साथ, और पिक्चर का तो मजा नहीं, लेकिन अपने आप को जो ट्रीट हमने दिया वो बहुत अच्छा लगा। मूवी खत्म हुई, बाहर निकले, बाहर निकलते ही एक मसाज पार्लर में गए, वहीं जहां पे आप अपने को थोड़ा सा मसाज दिया जाता है। तब ऐसा लगा कि मेरा शरीर भी मेरा है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, मेरा शरीर भी मेरा है सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, इसे भी थकाव महसूस होता है, इसे भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरा है, इसे भी थकाव होता है, और जिम्मेदारियों का बोझ होगा जरूर, जिम्मेदारियों का बोझ होगा जरूर, लेकिन उस मसाज पार्लर में जाने के बाद थोड़ा कम जरूर हो गया, शरीर थोड़ा हल्का सा लगा। बाहर आए, बाहर आके दुनिया की चकाचौंध देखी, दोपहर की भीड़ भाड़ देखी, लोग एक दूसरे के मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कोई झगड़ रहा है, कोई मार रहा है। इस जिंदगी के कई पहलुओं को देखते हुए जब हम शाम की तरफ चाय की चुटकी लेते हुए, बिस्किट या बन या ब्रेड खाते हुए जिंदगी का मजा ले रहे हैं, शाम हो जाती है, घर चले जाते हैं, खालीपन, वही परिवार के साथ हम बैठ जाते हैं, लेकिन पूरे दिन भर का जो हिसाब है वो ये है कि आई एम इम्पॉर्टेंट। घड़ी के 24 घंटों में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अपने आप को थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस दें, तो आप भी जिंदगी के एक नए पहलू को तलाश कर सकते हैं, तराश सकते हैं, और अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमाइंड दिस टू योर बॉडी, टू योर सोल, दैट 24 घंटे काम करने के लिए नहीं बनाइए शरीर, एक दिन अपने आप को भी छुट्टी देनी चाहिए, किसी एक दिन अपने आप को भी खुशी देनी चाहिए, क्योंकि हफ्ते के 6 दिन तो काम कर ही रहे हैं, वो एक दिन अपने आप को देके देखिए, आप खुश सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर मन से भी हो जाएंगे। That's all from the sound of soul. आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, आज का ऐसा आदमी who is known as I am important. Till then, see you in the next episode of Life and Soul Stories. ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी के कई स्वाद आपको सुनने, देखने और मेरे आवाज से महसूस करने को आपको मिलते हैं। वैसे आज एक बात बतानी थी और वो है, आई एम वेरी इम्पॉर्टेंट, शायद आपने सुना नहीं, आई एम वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब हम ये अपने आप को कहते हैं तो जिंदगी एक नया आयाम, एक नया सफर की शुरुआत करती है। आई एम इम्पॉर्टेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठता है या उठती है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठता है, अपने काम के लिए चल जाता है, काम की तरफ बढ़ते समय उसको ख्याल आता है कि आज काम नहीं करेंगे, और वो कहीं आसपास के गलीचे के पास रुक जाता है। एक ऐसा बागान, या कह लीजिए कि एक ऐसा गार्डन है जहां पे हरियाली ही हरियाली है, फूल पौधे और सुबह की ठंडी ठंडी छांव। वो आदमी या वो औरत जो है वो वहां रुक जाती है,
वो अपने आप को उस प्रकृति से, उस नेचर से बंधा हुआ पाती है। गार्डन के सामने एक छोटी सी झील है। पानी सुबह की रोशनी से ऐसे धीमे धीमे चमक रहा है मानो कि मोतियों की छोटी छोटी मालाएं जो हैं पानियों के ऊपर तैर रही हो। वो इंसान वहीं पे ठहर जाता है और कुदरत की खूबसूरती को निहारता है। जब वो घास पे बैठता है तब उसको महसूस होता है कि ये कुदरत कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। आपने अगर कभी घास पे बैठा हो या बैठे हो तो आपको महसूस होगा कि ये जो छोटी छोटी जो घासें होती है आपके बदन को कितना सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम महसूस कराती है। इंसान उस बगीचे में जाता है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। वहाँ पे वो अपने आप को सुनता है, अपने मन को सुनता है और आसपास जो छोटे छोटे बर्ड्स, तितलियाँ जो घूम रही हैं सुबह, उनको महसूस करता है, उनकी आवाज़ों को अपने अंदर कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश करता है। कुदरत के उस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आँखों में समा के थोड़ी देर के लिए आराम करता है। उसे लगता है कि सुबह की ठंडी छांव बहुत ही प्यारी है और शायद कई दिनों बाद उसको ये देखने को मिला है। नींद टूटती है, बस पकड़ते हैं और नियर बाय हाल फिलहाल में जो एक नया मॉल खुला है वहां पे चले जाते हैं। मॉल में सुबह का नाश्ता हो जाता है, इंसानों की भीड़ भाड़ दिखाई देती है। कोई सुबह अपने परिवार के साथ आया है तो कोई अकेला आया है तो कोई एक दूसरे का हाथ थामे हुए घूम रहा है। जिंदगी के कई पहलू, बचपन, बुढ़ापा, जवानी और एक दूसरे का साथ, कई चीजें देखने को मिलती है। यही चीजें गार्डन में भी देखने को मिली। गार्डन, हाँ, अभी जो जहां पे थोड़ी देर पहले हम थे वहीं इस इंसान ने रिलेशनशिप को भी देखा। छोटे बच्चे जो अपने आप में खेल रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं आने वाले कल की, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपने आप में खेल रहे हैं। वहीं नौजवान यानी कि लड़का और लड़की कहीं अपने आप में खोए हुए, कहीं एक दूसरे का हाथ थामे हुए, कहीं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए, जिंदगी के कई नए सपनों को पिरोते हुए, कई कस्में, कई वादों को निभाने की कोशिश करते हुए, वादे बस वादे। और वहीं पे कुछ ऐसे शादीशुदा लोग जो एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन साथ हो के भी साथ नहीं हैं। कई ऐसे भी जोड़े हैं जो साथ है और साथ नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कुछ अलग नहीं हो पाते, कुछ जिम्मेदारियां होती है, आंखों पे छलकती है, चेहरों पे दिखाई देती है और उनके हाव भाव, चलने का नजरिया जो है वो इंसान भाप लेता है। ऐसे भी कई लोग थे जो अकेले थे, अपने आप में थे, तब उस इंसान को ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने खालीपन को ढूंढने के लिए, तराशने के लिए, समझने के लिए ऐसे जगहों पे आ जाते हैं, चाहे वो गार्डन हो या मॉल हो। बहरहाल सुबह का एक फिल्म देखा, फिल्म देख के थोड़ी खुशी हुई, अपने आप को ट्रीट किया पॉपकॉर्न के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, समोसे के साथ, और पिक्चर का तो मजा नहीं लेकिन अपने आप को जो ट्रीट हमने दिया वो बहुत अच्छा लगा। मूवी खत्म हुई, बाहर निकले, बाहर निकलते ही एक मसाज पार्लर में गए, वहीं जहां पे आप अपने को थोड़ा सा मसाज दिया जाता है। तब ऐसा लगा कि मेरा शरीर भी मेरा है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, मेरा शरीर भी मेरा है सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, इसे भी थकाव महसूस होता है, इसे भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरा है, इसे भी थकाव होता है और जिम्मेदारियों का बोझ होगा जरूर, जिम्मेदारियों का बोझ होगा जरूर, लेकिन उस मसाज पार्लर में जाने के बाद थोड़ा कम जरूर हो गया।
शरीर थोड़ा हल्का सा लगा। बाहर आए, बाहर आके दुनिया की चकाचौंध देखी, दोपहर की भीड़ भाड़ देखी, लोग एक दूसरे के मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कोई झगड़ रहा है, कोई मार रहा है। इस जिंदगी के कई पहलुओं को देखते हुए जब हम शाम की तरफ चाय की चुटकी लेते हुए बिस्किट या बन या ब्रेड खाते हुए जिंदगी का मजा ले रहे हैं। शाम हो जाती है, घर चले जाते हैं, खालीपन, वही परिवार के साथ हम बैठ जाते हैं, लेकिन पूरे दिन भर का जो हिसाब है वो ये है कि आई एम इम्पॉर्टेंट। घड़ी के 24 घंटों में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अपने आप को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें, तो आप भी जिंदगी के एक नए पहलू को तलाश कर सकते हैं, तराश सकते हैं और अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पॉर्टेंट। प्लीज रिमाइंड दिस टू योर बॉडी, टू योर सोल, दैट 24 घंटे काम करने के लिए नहीं बनाइए शरीर। एक दिन अपने आप को भी छुट्टी देनी चाहिए, किसी एक दिन अपने आप को भी खुशी देनी चाहिए, क्योंकि हफ्ते के 6 दिन तो काम कर ही रहे हैं। वो एक दिन अपने आप को देके देखिए, आप खुश सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर मन से भी हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम द साउंड ऑफ सोल। आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, आज का ऐसा आदमी हु इज नोन एज आई एम इम्पॉर्टेंट। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लाइफ एंड सोल स्टोरीज। Take care of yourself. See you in the next episode.